चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों का समाधान किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है उनकी पेंशन को बहाल किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की शिकायत को सुना और उनमें से कई का मौके पे ही निपटारा भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने पेंशन संबंधी शिकायतों पर ये साफ किया कि इसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान किया जा रहा है। सीएम ने स्पष्ट तौर पर यह भी बताया कि नई पेंशन बनने और कटने को लेकर के एक नियमावली है और उसी के आधार पर पेंशन बनती और बंद की जाती है। पेंशन कटी, ये जो शोर मचाया जा रहा है इतनी कट गई 270,000 पेंशन तो साल भर में जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है उनकी पेंशन साथ साथ कटती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है और परिवार पहचान पत्र में रजिस्टर हो जाता है तो उसकी पेंशन पहले तो बैंक में जाती रहती थी, कई महीने तक बैंक में जाती थी, डिस्बर्समेंट नहीं होती थी या डिस्बर्समेंट में भी फर्जी मामला जो होता था कि उसके कार्ड को लेकर के और कोई भी व्यक्ति उसका पिन डाल के और निकाल लेता था या बैंक खातों से भी वो निकलती रहती थी, वो तुरंत बंद होती है क्योंकि रियल टाइम पर डेथ और बर्थ ये रजिस्टर होता है। तो जैसे ही डेथ रजिस्ट्रेशन होती है उसी समय उसकी पेंशन बंद होती है। तो ऐसे लगभग पिछले साल भर में 270,000 केसेस जिनकी डेथ के कारण से बंद हुई होनी चाहिए थी उसको भी लोग कहते इतनी पेंशन कट गई, वो कट नहीं है, बंद हुई है। वहीं पेंशन की शिकायत लेकर एक बुजुर्ग महिला भी मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने पाया कि बुजुर्ग की पेंशन गलत तरीके से काटी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास से महिला को पेंशन के 2,500 रुपए मानदेय के तौर पर दिए। इसके साथ ही ये वादा भी किया कि अगले महीने से उनके खाते में नियमित तौर पर पेंशन पहुंचेगी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। शिकायत यही की थी मैंने, नवंबर से मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरे को पेंशन दी जाए मतलब मेरा कोई सहारा नहीं है और असलियत है ये, आकर भी पूछ सकते हैं हमारे मोहल्ले में। उन्होंने कहा अगले महीने तक पेंशन आपकी जरूर आएगी और मेरे को साथ में एक महीने की पेंशन एडवांस में दी। क्या कहना चाहूंगा? अब उनका धन्यवाद कहूंगी, आगे भी वही बने। वहीं जनता दरबार में ज्यादातर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की शिकायतें देखने को मिली और इसी तरह के एक मामले में लाखन माजरा ब्लॉक में एक ग्राम सचिव पर गाज भी गिरी।